बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में पाकिस्तान नज़र अपडेट के साथ। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की डियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। कराची वाले अलर्ट, बोर आयरम में शदीद समुद्री तूफान का खतरा और सिंध में पोस्ट मानसून बारिशों की पेशंगोई कब से, आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं तो बोर आयरम में इस वक्त समुद्री तूफान की क्या असरात हो रही हैं, इस रिपोर्ट पर एक नज़र। इस दौरान बोर आयरम में समुद्री तूफान की हलचल जारी है। इस वक्त हवा का कम दबाव इंडिया के शहर मुंबई के ऊपर मौजूद है, जो कि 15 से 17 अक्टूबर के दौरान जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर मामूल से तेज़ बारिशों का इम्कान है। ये हवा का कम दबाव 15 या फिर 16 अक्टूबर तक समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। जैसे जैसे बोर आयरम में दाखिल होता जाएगा हवा के कम दबाव में मजीद शिद्दत आती जाएगी। इस वक्त ये दबाव 7 से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस हवा के सबब कम दबाव के सबब कराची सिंध की साहली पट्टी को कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन एक बात याद रहे कि यह समुद्री तूफान इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील हो सकता है, जिसके बाद कराची सिंध वालों को अभी सोचना के मत के इस तूफान से हमें कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। इसमें अभी बहुत सारी तब्दीलियां मुमकिन है, जिसकी वजह से इसकी मज़ीद अपडेट्स हम आपको लम्हा बाय लम्हा देते रहेंगे। अब रही बात गर्मियों और पोस्ट मानसून बारिशों की, तो सबसे पहले इन दिनों के दौरान कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहर में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। हवाएं तमाम ना चलने के बराबर होंगी और साथ ही साथ दिन के वक्त धूप की शिद्दत तमाम तेज़ होगी, जिसकी वजह से शदीद गर्मी महसूस की जाएगी। इस दौरान बदीन, ठट्टा, थरपारकर, गुराची, छाछरो, मिट्टी, मीरपुर खास, सांगढ़, दादू, जामशोरो, शहीद बेनजराबाद, उमरकोट, इस्लामकोट और गिरदोना में भी गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हो सकती है और 80 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जकड़ें भी चल सकती हैं। कराची, हैदराबाद में अभी बारिश के इम्कान बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें अगर मज़ीद तब्दीली आई तो फिर कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिशों के इम्कान बन सकते हैं। ताम सखर समेत बालाई सिंध में कोई खातुरखा बारिश का इम्कान नहीं है, सिर्फ बादलों का राज रहेगा, जबकि चंद एक दो मकाम पर हल्की बारिश हो सकती है। नाज़रीन याद रहे कि साहली पट्टी को अभी कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा, जैसे कोई तब्दीली होती है आपको आगाह कर दिया जाएगा। इससे वक्त से कबल हम आपको बताता चलें कि हवा के कम दबाव के तहत मुंबई और गिरदोना में बारिशें जारी हैं। 15 से 17 अक्टूबर तक ये हवा का कम दबाव समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा और मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर लेगा। बाकी मज़ीद अपडेट्स वक्त के साथ हम देते जाएंगे आपको। याद रहे कि कराची सिंध में बारिशों का इम्कान 16 से 18 अक्टूबर तक मजीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। बस दुआ करके रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिश हो। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइटमीन थंडरस्टॉर्म बारिश में मतलब रोजाना मौसम की अपडेट जाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मीट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।